हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट रूली में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं क्लास टेंथ का साइंस। देखिए, इसमें 48 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसमें आपको 40 का ही आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा होता है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क का। तो आपका सही आंसर है बी, मध्य मस्तिष्क का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लाराना, हृदय का धड़कना। तो आपका सही आंसर है बी, चबाना। अब आपको लगता होगा कि अनैच्छिक क्रिया यह कैसे नहीं है। देखिए, अनैच्छिक क्रिया वह होती है जो आपके न चाहने से भी वह होते रहता है, जैसे हृदय का धड़कना। क्या आप उसे चाह करके भी रोक सकते हैं? नहीं रुकेगा। लार का आना, क्या आप चाह करके भी उसे रोक सकते हैं? नहीं रुकेगा। वमन यानी उल्टी होना, आपसे वह नहीं रुक सकता है। लेकिन चबाना जो है वह अनैच्छिक क्रिया नहीं है, क्योंकि आप चाहिएगा तो चबाइएगा, नहीं चाहिएगा तो कोई भी चीज़ को नहीं चबाइएगा। तो इसीलिए आपका सही आंसर है बी, चबाना। तीसरा नंबर है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो आपका सही आंसर है बी, ईस्ट में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें सभी में। तो इसका सही आंसर है ए, वृषण में। पांचवा नंबर पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? परागकोष, वर्तिकाग, वर्तिका, अंडाशय। तो आपका सही आंसर है अंडाशय, डी ऑप्शन आपका सही है। छठा नंबर क्वेश्चन है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। तो आपका सही आंसर है बी, स्त्री में, क्योंकि स्त्री में एक्स और वाई दोनों प्रकार का गुण सूत्र पाया जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुण सूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 21, 22, 23, 46। तो आपका सही आंसर है सी, 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फल, फसलों के छिलके, केक एवं रबड़, केक, लकड़ी एवं घास। तो आपका सही आंसर है डी, केक, लकड़ी एवं घास। नौ नंबर का क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी के विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय दाब प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। तो आपका सही आंसर है सी, टिंडल प्रभाव। दसवां नंबर का क्वेश्चन है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा? N R, R N, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ए, NR। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन है, एक कुलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? 1.6 × 10⁻¹⁹, 1.6 × 10⁻¹⁹, 6.25 × 10⁻¹⁸, 6.25 × 10⁻¹⁸। तो आपका सही आंसर है बी, 1.6 × 10⁻¹⁹।
19। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 4 एम्पियर, 40 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 25 एम्पियर। तो आपका सही आंसर है ए, 4 एम्पियर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, नीला, उजला, लाल, काला। तो आपका सही आंसर है डी, काला। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, 0.36 × 10⁻¹⁰ जूल, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, 3.6 × 10⁻¹⁶ जूल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है सी, 3.6 × 10⁻¹⁶ जूल। 15 नंबर का क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, ओम·1, ओम मीटर, ओम·m, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी ऑप्शन है, ओम·m। 16 नंबर का क्वेश्चन है, लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। तो आपका सही आंसर है सी, Fe3O4। 17 नंबर का क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है, श्वेत, पीला, हरा, काला। तो आपका सही आंसर है सी, हरा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है, 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, 2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। तो आपका सही आंसर है सी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कि हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है, तो देखिए अक्सर यह ब्लड के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो है 7.0 से 7.8 होगा, यह ब्लड के ऊपर निर्भर करता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaNO3। तो आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर है सी, NaHCO3, NaHCO3 आपका सी ऑप्शन सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो आपका सही आंसर है बी, गोल्ड। 21 नंबर का क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, 20 कैरेट में, 12 कैरेट में। तो आपका सही आंसर है बी, 24 कैरेट में। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, CH4, C2H4, C6H6H6, C3H8। तो आपका सही आंसर है सी, C6H6H6। 23 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, TB, मधुमेह, एनीमिया, ऊंच रक्तदाब, चाप। तो आपका सही आंसर है सी, एनीमिया। 24 नंबर का क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं, निषेचन, अंकुरण, परागण, वृषण। तो आपका सही आंसर है ए, निषेचन। 25 नंबर का क्वेश्चन है, थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है, थायराइड, यकृत, वृक्क, किण्वन। तो आपका सही आंसर है ए, थायराइड। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन यानी 26 से लेकर के 48 तक क्वेश्चन
लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।